परमसुखदम् केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशम् तत्त्वमस्यादि विलख्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साखी रूपं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः जा देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमो तस्यै नमो तस्यै नमो तस्यै नमो नमः जा देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमो तस्यै नमो तस्यै नमो तस्यै नमो नमः वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा नीलाम्बुजश्यामलकमलाङ्गं सीतासमारोपितवाम भागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगीन्द्रहारं सदारमन्तं हृदयारविन्दै भवं भवानी सहितं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमताम्बरिष्टं पातात्मजं वानरयुथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय उमापति शंकर भगवान की जय पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय जगत जननी दुर्गा मैया की जय जगत जननी स्कंध माता की जय आज की दिव्यानंद की जय अपनी अपनी गुरु महाराज की जय अपनी अपनी पिता माता की जय अपनी अपनी साधु संतों को मानने वाला भक्ति की बोल प्रेम से जय जय श्री राधे राधे श्याम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण यण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव एकमात्र स्वामी सखा हमारे एकमात्र स्वामी सखा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी प्रसिद्धं नवनीतचोरं गोपंगमानं चतुकूलचोरं अनेकजन्मार्जितपापचोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हरे मुरारे मधु कैच भारे गोविंद गोपाल मुकुंद सौरे यज्ञेषु नारायण कृष्ण विष्णु यज्ञेषु नारायण कृष्ण विष्णु नीराश्रयमां जगदीश रक्ष श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय रमण हरि राघव की जय जय सीता रमण हरि राघव की जय जय सीता रमण हरि राघव की जय जय सीता रमण हरि राघव की जय जय
वृंदावन में राधे राधे हरे नंद गांव में राधे 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 भज मन राधे जप मन राधे बोल मन राधे बोल मन राधे ये जीवन है राधे 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 बोल बोल श्याम श्याम बोल बोल राधे राधे बोल बोल सीता सीता बोल बोल राम राम बोल बोल सीता सीता बोल बोल राम राम बोल बोल सीता सीता बोल बोल राम राम बोल बोल जय राधे 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 भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु इनकी पद कमल बंदन किए नाशत विघ्न अनेक चित्रकूट सम कूट नहीं नहीं अवध सम धाम राम चरित सम चरित नहीं नहीं राम सम नाम नहीं राम सम नाम बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय बोलिए पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय बोलिए जगत जननी दुर्गा मैया की जय शुभ संध्या र शुभ अवसर रे भगवान श्री सच्चिदानंद घन विग्रहंकर दिव्य करुणा रे तथा माँ जगत जननी करुणा दायिनी संतान पालिनी जगत धारिणी से ही मान कर दिव्य कृपारु आज आम समस्ते ये दिव्य कथार उपनीत होगापी गोटे प्रयास करूचु तो सर्वप्रथम से ही जगत जननी माँ दुर्गांकर श्रीचरण अरविंदरे तथा असंख्य जीव जगतर समस्त आभ्यंतरीण हृदय विराजमान करिथिबार सचिदानंद घन विग्रह सत्य शिव सुंदर दधि वावन मूर्ति श्रीचरणारविंदरे ई अकिंचन हरि कथार रसायित होइथिबार जणे अधम श्रीचरण रे किछि जागा मागुछि एवं द्वितीय कथा हला आपण मानकर हृदय कंदरी विराजमान करथिबा सचिदानंद घन विग्रहंकर दिव्य चरणारविंदरी नतमस्तक ही भगवानंकर कथा को माँ जगत जननी जननींकर कथा को कहिबार गोटे दुस्साहस प्रयास करिबा पई मु चेष्टा करूची तेणु से ही माँ दुर्गा मोरी बाणी पथरी एवं आपण मानकर मन पटरी जागा सृष्टि करंतु ये कथा को मांकर श्रीचरण अरविंद अर्पण करी भक्तिमयी करुणामयी संतान जन संतान पालिनी जननी मानंकर माँ मानंकर श्रीचरण अरविंद रे नतमस्तक हेउची एवं ये भगवान कर दिव्य कथा को आगक नेबा पई प्रयास करीची तेणु सर्वप्रथम रे गोटी कथा को कहिबे दया करी जो भाई माने टिके छिड़ा हेचंती बसि जांतु पछरे जो भाई माने अछंती दया करे आसिकरी आसन पड़ी टिके बसि जांतु आरंभ
पुणि ओम रे बीलीना सात सोपान ते ई मणिष जीवना ओम रुंगारंभ पुणी ओम देवीना सात सोपान ते ई मणिष जीवना से सोपान हरि अंका बंका चरा बाटोई छाती रे छनका से सोपान भारी अंका बंका चरा बाटोई छाती रे छनका भव भय दूर जेव भजिले श्री राम रामायण 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 सीता राम रखिए अक्षय कीर्ति
भरत प्रेम श्री रघुवीरा जग पाई असि अयोध्या भरत प्रेम श्री रघुवीरा जग पाई असि अयोध्या अयोध्या राजा गेले रघुनंदन रामायण आपण माने देखिबे जेते बेले भगवती पार्वती भगवान शंकर को पचारुचंती प्रभु मते राम कथा कह से समय माँ पार्वती कहचंती हे स्वामी मुझे आपणकर अर्धांगिनी मुझे आपणकर पादर पांडोई तेणुक मते दया करी राम कथा कहिबार हे एवं ये राम कथा कौन करे ना जीवन रे थिवा समस्त दुख क्लेश को दूर करी दिए सही समय भगवान शंकर कहचंती ये नवदुर्गा कथा नौटा अवतार ही सल्ला परे भी भगवान को तमे चिन्ही पारिलनी सती एवं सती अवस्था रे मध्य तमे भगवान को चिन्ही पारिल नाही तेणु भगवान को चिन्हिबा पाई जो सब योग्यता दरकार तुमको प्रथम से योग्यता गुड़ाक हासिल करने को पड़े जदि भगवान शंकर माँ पार्वती को कहते जे भगवान विषय जानवाप योग्यता दरकार ये अकिंचन मनीष भगवान को बुझीपार भगवान को चिन्हिपार भगवान सत्ता को अनुभव कर सत्ता को केवल अनुभव कर किंतु भगवान को चिन्हिबा पई आमे जीवन रे अनेक गुडे भूल करि चलछे तो सेहि भीतर का विशेष प्रवेश करिवानी आज आलोच्य विषय होचंती मा स्कंध माता एवं ये स्कंध माता आज पूजा पाउचंती प्रत्येक शक्तिपीठ रे पंचम अवतार ये मांकर तो ये ऊपर विशेष आलोचना करिवा स्कंध आपण माने जानिथिबे स्कंध बोलंते कांध को कहा जाए एवं स्कंध बोलंते आउ जणंकर नाम जे के होचंती कार्तिकेय तो ये स्कंध माता हेले के प्रथम रूप होची मांकर शैलपुत्री द्वितीय रूप होची ब्रह्मचारिणी तृतीय रूप होची चंद्रघंटा चतुर्थ होचंती कुष्मांडा एवं पंचम होचंती मा स्कंधवाता ये मध्य जीवन शैली मध्य रे संपर्कित देखिबे अमर भारतीय हिंदू शास्त्र अनुजाई नारी को सर्वोच्च आसन दिया जाइछि किंतु नारी रो सुरक्षा पाए नारी रो जन्म प्रक्रिया थारु आरंभ करी नारी रो अंतिम पर्याय पर्यंत किए ना किए ता सहित जड़ित होकर अछंती उदाहरण नहीं किया जिते बेले छुआ जन्म हुए गोटे स्त्री गोटे झील जन्म हुए से झील को प्रथम लालन पालन करती लालन पालन करने अवस्था तार पाखे किए था बापा माँ था जिते बेले तार पौढ़ अवस्था आसी जाए से ही समय पुणी जन को दायित्व दि जाए पड़ोसी अजणा व्यक्ति सहित छंती दि जाए कही दि जाए जे पिता माता जिते बेले कन्यादान करती कन्यादान जिते बेले करा जाए से ही समय पिता माता कहते आज पर्यंत आम यार भार बहन करूँ आज ठार् आपण को ये लगला किसी दिन गला माँ जिते बेले गोटे संतान जननी हो जाए से ही समय से ही संतान प्रति एत आकर्षित होता है सी संतान सहारा रे बचवाक पड़े तो जदि गोटे नारी प्रथम पर्यायर अंतिम पर्याय पर्यंत आम देखा कहीं ना कौन व्यक्ति ता सहित सब जड़ित होती
आजिकार ये समाज रे आपण माने तो श्रवण करूथिबे देखुथिबे मीडिया माध्यम रे देखुचंती पेपर माध्यम रे देखुचंती विभिन्न जिनिस गुडाक ताकु वर्णना करबा बध्य अनुचित बासंतु ये स्कंध मातांगर विषय श्रवण करबा आमर हिंदू शास्त्र अनुजाई भगवान श्री शंकरंकर बारटी ज्योतिर्लिंग अछि जानिथिबे आपण माने तन्मध्यरु गोटे होचंती मल्लिकार्जुन एवं ये मल्लिकार्जुन जो शिवलिंग अछंती ये जुग्म भावरे मां पार्वती एवं भगवान शंकरंकर जुग्मलिंग ये तो ये जुग्मलिंग काहेकि ना जेतेबेले तारकासुर को कार्तिकेय हत्या करिदेले बा मारिदेले तापर आसिकि जेतेले कहिले भगवान शंकरंकर निकट को आसिकि कहउचंती बापा मुगुडी सुंदर काम कली भगवान शंकर खुशी हेले कहिले रे कार्तिकेय जगत रे गोटे शत्रु को मारी देले कौन ये संसार रे शत्रुता कमी जीव लोक मानकर मध्य रे कौन सुसंपर्क स्थापन हे पारिबो हे पारन काहे कि ये मनुष्य शरीर मध्य रे 6 रिबो बसवास करी चंती काम क्रोध लोभ मद मत्सर्य एवं हिंसा तो ये 6 ऋतु को तते दमन करबा को पड़िबो गोटे तारकासुर को मारी देले कोनी गला तेणु करी सही स्थान रे कार्तिकंकर 6 मुंड विशिष्ट एक आकृति सृष्टि होउची एवं सी 6 मुंड माध्यम रे काम क्रोध लोभ मद मत्सर्य की 6 को आज दमन करुचंती ये 6 को जेतेले दमन करुचंती सही समय रे मां महागौरी कार्तिकंकर प्रति अति प्रसन्न होउचंती प्रसन्न होकरी आज जो अवतार सही अवतार रे भगवान कार्तिकेय गोटे छोटिया शिशु होती माँ पार्वती तांकु कोल रे धारण करिचंती ये होची आजिर विशेषत्व बा ये होची आजिर जो पूजार महत्व तो ये गला माँ शक्तिंकर उपासना विषय रे एवं शक्ति उपासना में काहे की करिबा देखिबे प्रत्येक क्षेत्र रे जुग्म अवस्था न आसीबार पर्यंत पूर्णता आसिना दुई अर्थात नारी एवं पुरुष दि जन परस्पर भाव रे परिपूरक परिपूरक न होबार पर्यंत सृष्टि रे कोनोसी जिनिस मध्ये हि पारेनी आपण देखिबे आपणकर विद्युत उपकरण रे नेगेटिव पॉजिटिव गोटे उदाहरण मु दउची तो सही दृष्टिकोण रु ये संसार रे नारी एवं पुरुष उभय उभयंकर सहित परिपूरक तेणु करी मां स्कंध माता रूपरे पीठरे पूजा पाउथवार देवी समस्तंकर मंगल करंतु बोलो आनंद एक बार हरिबोल ना बहुत लो होची ना कहीं ये हरिबोल भी भगवान कर कृपा बिना दे हेबनी कहीं ये पार्टी भी भगवान दे चंती ना ये पार्टी माध्यम रे भगवान कर नाम नेबा पई भगवान ही पार्टी हमको दे चंती भावंतु नि जे काहा को गाड़ी गुलाज करबा किबा खाइबा पई किबा निजर कर्म करबा पई ये देई नहंती ये देइचंती भगवानंकर नाम नेबा पाए तो आसंतु ओडी सुंदर सुजोग आमे पाइचू एवं ई सुंदर सुजोग रे प्रथम सत्संग बोली विदा को कहजे ताको आमे टिके अनुध्यान करिबा सत्संग कले जीव कण पा आज आमे समस्त बसि के ना सत्संग करूचू तो सत्संग कहा जाए कहा को कोनसी प्रवचन सामना रे बसि देबा किमा कोनसी साधु साधु संतंकर सहित संग थे किबा ये कण प्रवचन ये कण सत्संग की सत्संग कहा को कहिबा सत्संग जानिले से सत्संग करिबा ना सत जोग संग ताको सत्संग कहा जाए तो सत वस्तु कौन ये संसार रे सत वस्तु को चिन्हला परि जाई कि हमें सत्संग करिबा ना तो सत कौन संसार रे भाई एवं बापा मध्य रे जो संपर्क अछि सत की आमे दुनिया रे जहा किछि जिनिस देखुचे ताहा सत कि आमे जो टंका पैसा रोजगार करिके निजर आधिपत्य विस्तार करूचु जो मान प्रपत्ति ये पाउचु ये सत कि ये भी सत नुह काहेकि क्षण बंगुर ये देह दिने ये चली तेणु सत कण ता सहित संग करिबा सत वस्तु कहा को कहा जाए
ଏବଂ ସତ୍ ବସ୍ତୁ ସହିତ ସଙ୍ଗ କଲେ ପରେ ବିବେକରେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ ରାମାୟଣ ଗୋଟିଏ ପଦ କହିଲେ କ'ଣ, ବିନୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିବେକ ନ ହୋଇ ରାମ କୃପା ବିନୁ ସୁଲଭ ନା ସୋଇ। ରାମ ପ୍ରିୟା ରାମ ପ୍ରିୟା ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ, ରାମ ପ୍ରିୟା ରାମ ପ୍ରିୟା ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। ଓ ବିନୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିବେକ ନା ହୋଇ ରାମ କୃପା ବିନୁ ସୁଲଭ ନା ସୋଇ। ରାମ ପ୍ରିୟା ରାମ ପ୍ରିୟା ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ, ରାମ ପ୍ରିୟା ରାମ ପ୍ରିୟା ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। ଓ ବଡ଼ ଭାଗ ମାନୁଷ ତନୁ ପାବା ସୁର ଦୁର୍ଲଭ ସବ ଗ୍ରନ୍ଥନି ଗାବା। ରାମ ପ୍ରିୟା ରାମ ପ୍ରିୟା ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ, ରାମ ପ୍ରିୟା ରାମ ପ୍ରିୟା ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। ଓ ବଡ଼ ଭାଗ ମାନୁଷ ତନୁ ପାବା ସୁର ଦୁର୍ଲଭ ସବ ଗ୍ରନ୍ଥନି ଗାବା। ରାମ ପ୍ରିୟା ରାମ ପ୍ରିୟା ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ, ରାମ ପ୍ରିୟା ରାମ ପ୍ରିୟା ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। ସବ ଗ୍ରନ୍ଥନି ଗାବା, ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥ କୁଆଡେ ପରେ କହନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟ ଥିଲେ ଯାଇକିରି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟେନ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଗଚ୍ଛିତା, ଭାଗ୍ୟର ଉଦୟ ହେଲେ ଯାଇକି ମନୁଷ୍ୟକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ସେ ଆଉ ମଣିଷତ୍ଵ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। କାହିଁକି, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଖରେ ଅଛି, ସୁର ନର ମୁନି ସବକି ଏହି ରୀତି ସ୍ୱାର୍ଥ କେ ଲିଏ ସବ କରଇତ ପ୍ରୀତି। ସୁର ନର ମୁନି ସଂସାରରେ ଯେତେ ବି ଲୋକ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ହିଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତାହେଲେ ସ୍ୱାର୍ଥଟା କ'ଣ ସତ୍ସଙ୍ଗ? ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ଯେଉଁ କର୍ମ କରେ ସେଇଟା କ'ଣ ସତ୍ସଙ୍ଗ କି? ସେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନୁହଁ। ସତ୍ ବୋଲନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ, ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ସହିତ ଯିଏ ଭକ୍ତିରେ ନିଜକୁ ଯୋଡ଼ିବି ସିଏ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ସହିତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଁ ଯୋଡ଼ି ହେଇକିରି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ ଯଦି ଅନୁଧ୍ୟାନ ଯିଏ କରିପାରେ ତାକୁ ହିଁ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଏ। ବୋଲ ସଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ଆମେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ନେଇଯିବା। ଇଏ ସଂସାରରେ ଯେତେ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଖିରେ, ସବୁ ଜିନିଷର ନାଁ ଅଛି ନା? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ନାଁ ଅଛି ନା? ଇଏ ହେଉଛି ମାଇକ୍, ଇଏ ହେଉଛି ମକୁଟ, ଇଏ ହେଉଛି ଫୁଲତୋଡ଼ା, ଇଏ ହେଉଛି ମୋବାଇଲ। ଏମିତି ଆମେ ଯାହା ଆଖିରେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ହେଉଛି, ଆଖିରେ ଯାହା ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଇଏ ସବୁଥିର ନାଁ ଅଛି ନା? ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ହଁ କି ନାଇଁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ଅଛି ନା? ତ ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଁ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାଁ କେମିତି ଅଛି? ତୁଳସୀଦାସ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ସୂତ୍ର ଦେଲେ, ଏଇ ସୂତ୍ରକୁ ନେଇକି ଆପଣମାନେ ନିଜର ଜୀବନରେ ଲଗେଇବେ। କ'ଣ? ନାମ ଚତୁର ଗୁଣ ପଞ୍ଚଯୁତ ପୁନି ଦୁଇ ଗୁଣ ହୃତ ଅଷ୍ଟବସ। ଜଣଙ୍କର ନାଁ ଭାଇ କହିଲ, ୟେଲୋ ସାର୍ଟ ଭାଇ ତମର ନାଁ କ'ଣ? ୟୋର ନେମ୍, ତମର ତମର ଭାଇଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ଚିନ୍ମୟ। ଚିନ୍ମୟ କେତେ ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ? ତିନି ନା? ହଁ ନା ନାଇଁ? ହଁ ଟି ଚିନ୍ମୟ ହେଉଛି ତିନି ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ନାମ। ନାମ ଚତୁର ଗୁଣ ଚାରି ଗୁଣ କରି ଦିଆଯାଉ, ତିନି ଚଉ ବାର,
नाम चतुर गुण पंच जुत पांच मिसी दिया जाओ बारह पांच की सतर पुनि दुई गुण ताको दुई गुण कर दिया जाओ सतर दुगुणे चौतीस हृत अष्ट बसु आठ रे हरण कर दिया जाओ आठ चौ बतीस चौतीस रु बतीस गल बाकी रही भाग शेष के दुई ना ये दुई को आप राम बोलिकी कहतु हरि बोलिकी कहतु ज्ञानी लोक मान या प्रकृति एवं पुरुष बोलिकी कहते आपण ये संसार रे जेते ना अच्छी ये ना रे ये सूत्र लेखिकी ने लेखिकी नहीं पकड़े प्रत्येक ना रे भाग शेष दुई एका बाहर एवं से दुई हूँ भगवान सत्ता अर्थात आम सहित भगवान ना जोड़ी बोल सचिदानंद भगवान की जय बिना कहीं राम राम कृपा बिना सपने सुधा जीव लोभे की केवे विश्राम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय जय सीताराम जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम विश्वास विहीन भक्ति न जन्मई विश्वास विहीन भक्ति न जन्मई भक्ति बिना कहीं राम राम कृपा बिना स्वप्ने सुधा जीव लभे की केवे विश्राम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय जय सीताराम जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम विश्वास विहीन भक्ति न जन्मई भक्ति बिना कहीं राम राम कृपा बिना स्वप्ने सुधा जीव लोभे की केवे विश्राम ताहले विश्वास कहा को कहिबा पुओ एवं भाई सहित जो विश्वास अच्छी सहीटा विश्वास की स्वामी स्त्री मध्य जो विश्वास अच्छी सहीटा विश्वास की बंधु वर्ग मान सहित जो विश्वास अच्छी सहीटा विश्वास की ताले विश्वास कहा को कहिबा विश्वास का सहित करिबा ये संसार रे जानंतु समस्ते अविश्वास रा पात्र केवल भगवान ही विश्वास रा पात्र या उपरे गोटे सुंदर कथा असंतु श्रवण करिबा बिल्व मंगल ना शुणी थे ना जड़े भक्त हाँ ना नहीं आज्ञा मान जाणी तो आ गोटे कथा मुझे श्रवण करेंगे भगवान जो पाड़ी हूँ भगवान ना जो पाड़ी आम हो ताली बजे कहीं कहतु तो गोटे पक्षीपूर्ण वृक्ष तल को जीवे गोटे गछरे अनेक पक्षी गुड़ाक बसी एवं से वृक्षमूल को जाकि जदि आप मारिदे से पक्षी गुड़ाक उड़ी जाती तो ठीक से हीपरी ये शरीर हूँ गोटे वृक्ष एवं ये शरीर रूपक वृक्ष पक्षी गुड़ाक बास कर कि भाया पक्षी काम पक्षी काम पक्षी कौ शाखा बास करे आखिरे नहीं मोह पक्षी कौ शाखा बास करे अंतकरण मन मध्य तो ये जो पक्षी गुड़ाक अच्छा ये पक्षी गुड़ाक उड़ेवाई टे करताली दरकार तो ये वृक्ष जदि आम करताली देदे ये वृक्ष ये पक्षी गुड़ाक सब चली राम नाम सुंदर करतारी
संशय पिहगमा उड़ावन हारी श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम नाम सुंदर करतारी संशय विहंगमा उड़ावन हारी राम नाम सुंदर करतारी संशय विहंगमा उड़ावन हारी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ये वाला बापा मानन को पाई आ माँ मान हुड़ी तो पूरा पूरी नील अवश्य मोरे अच्छे सोढ़ा मान मत शुभ ना हुड़ी कहीं दि जाए या विषय पर आलोचना करवा माँ मैंने सजाग हो जातु हुड़ी दिंतु आलोचना करवा कि जो कथा प्रसंग में आम थी से प्रसंग को आसतु बिल्व मंगल कथा कहती मुना तो ये बिल्व मंगल होती जड़े भक्त कितु प्रकृत से जड़े भक्त नए जो विश्वास कथा आसला ये विश्वास कथा को लेकर मु कथा आरंभ एवं ये बिल्व मंगल आखिर दोष थी कौन दोष थिला श्वेत पद्मा नामक एक सुंदरी कन्या रत्न को विवाह कर सारा पर बिल्व मंगल आउ जने बेश्या सहित आसक्त थी जहार ना होची चंपकलता एवं से चंपकलता सहित आसक्त थिला समय रे प्रथम रु निजर प्राकृतिक शरीर जो पाई भगवान निकट रु से प्रकृतिगत अभ्यास रु से बहुत सुंदर भाव रे शब्द संयोजना करी कविता गुड़ाक रचना करुथिले तो ये चंपकलता नामनी जो कन्या सहित तांकर संपर्क अच्छी ये कन्या कौन करूला ना नृत्य परेषण करूला राजा दरबार एवं से राजा दरबार जो नृत्य परेषण करुच्ची समय रे ये जो पद्य गुड़ाक रचना करे पद्य गुड़ाक आवृत करी राजा मनमुग्ध करुच्ची ये चंपकलता नामनी कन्या तो राजा दिने पचारे ये सुंदर काव्य गुड़ाक तुम पाइल कौठ से कहला ना महाराज मुझे रचना कर ताले ठीक अच्छे तुम्हें कल गोटे काम कर ये जो राज्य अच्छी राज्यर अधीश्वर एवं यही दृष्टिकोण रु तुम्हें मो ना टे कविता गुड़ाक लिखा प्रयास कर एवं मोर सभार आवृत कर मोर मनमुग्ध होगा तो चंपकलता प्रकृति में कौन काव्य रचना कर जानते जाकि कहले बिल्व मंगल को एवं बिल्व मंगल को कहले जे हे बिल्व मंगल तुम्हें मो पाई किसी रचना कर राजा विषय नहीं कि मो लगे किसी रचना कर बिल्व मंगल कहले मु भगवान व्यतीत एवं तुम सौंदर्य रूप व्यतीत ये संसार तृतीय व्यक्ति मुझे कौन सी रचना लिखि पारि ना पर दिन जाकि राजसभा पुणी राजा पचारे मोर कविता है ना महाराज कविता चली एमती किसी दिन गला परे पुणी राजा पचारे अच्छा मो कविता है नाई महाराज मु आपण को मिथ्या कहती प्रकृत रे ये जो कविता रचना है ये कविता मु लिखनी ये कविता अमुक लोक रचना कर अमुक लोक को मोर निकट को अणा जाते बड़े ये कथा जाकि कहला बिल्व मंगल को बिल्व मंगल कहले मु राजसभा को जीवि ना ताले ठीक अच्छे तुम्हें जदि राजसभा को जीव ना मो सहित तुम संपर्क तुटीगला से चंपकलतार प्रेम एते भाव ये व्यस्त थी सब बेले जिते बेले भी भावंती केवल तांकर कथा भावंती गोटे सुंदर कन्या को विवाह हो सारा पर भी बिल्व मंगल कौन सी प्रकार परिवर्तन हेला नाही एवं ये से चंपकलता प्रेम एपरी भाव घारी गले घारी निजे पगल
ପରିସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ପାଗଳାମୀ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ପାଗଳ ଭଳିଆ ବୁଲିଲେ ଏପଟ ସେପଟ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ବୁଲି 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 କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବଂ ବୃନ୍ଦାବନରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ଜଣେ ସାଧୁ ଦେଖିଲେ, ଗୃହୀ ସାଧୁ, ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ସାଧୁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଗୃହୀ ପୂଜକ, ମନ୍ଦିରର ଜଣେ ପୂଜକ। ଦେଖି ପକେଇଲେ ଯେ ଜଣେ ଦିବ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଇଏ ଏବଂ ୟାଙ୍କର ପାଖରେ କିଛି ଗୁଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି। ଇଏ ବିଚାର କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଗୃହକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ବିଲ୍ବ ମଙ୍ଗଳ ପାଗଳାମୀର ପରିଶେଷ ସୀମାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଗୃହକୁ ଆଣିଲେ ଏବଂ ଗୃହକୁ ଆଣିକିରି ଯୋଉ ଚମ୍ପକଲତା ଚମ୍ପକଲତା ବୋଲିକିରି ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଇ ଚମ୍ପକଲତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ କରିଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତୁମେ ଯେଉଁ ଚମ୍ପକଲତା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରୁଛ ଇଏ ହେଉଛି ସେ ତୁମର ଚମ୍ପକଲତା। ବିଲ୍ବ ମଙ୍ଗଳ ଭାବୁଛନ୍ତି, କେବଳ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ପୂଜକ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଗଳାମୀ ହେଇଯାଇଛି, ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ରଖିଛି, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାଟା ତମେ ଦେଇଦେବ, ମୁଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି। ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଚମ୍ପକଲତା ଭାବି ବିଲ୍ବ ମଙ୍ଗଳ ତାଙ୍କର ନିକଟକୁ କୁଦୃଷ୍ଟି ପକାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ହାତକୁ ଧରି ପକାଉଛନ୍ତି। କୌଶଳ କ୍ରମେ ହାତ ଛାଡ଼ିକିରି ନିଜର ଗୃହକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପରି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, କି ଭଳିଆ ତମେ ଜଣକୁ ଆଣିଛ ଯେ ସେ ମୋର ଏବଂ ତାର ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରଭେଦ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ, ଆଉ କେ ଭଳିଆ ଲୋକକୁ ତୁମେ ଆଣିକିରି ଘରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛ, ତମେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ନା। ତାପରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଦେଖିବ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଭଟକି ଯାଇଥିବା ସାଧୁ, ନିଜର ମାର୍ଗରୁ ଓହରି ଯାଇଥିବାର ଜଣେ ସାଧୁ, ଦେଖିବ ତମେ ୟାଙ୍କର ମୁଖରୁ କେମିତି କଥା କୃଷ୍ଣ କଥା ବାହାରିବ। ଇଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଦିନ ରାତି ଭଗବାନ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦରଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ବିଲ୍ବ ମଙ୍ଗଳ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଶେଷ କରୁଣା ହେଇଗଲା ସେତେବେଳେ ବିଲ୍ବ ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କଲେ, ମୁଁ କାହାକୁ ମୋତେ କି ଆଶ୍ରୟ ଦେଲା ଏବଂ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲାର ଯେ ଦେଇଥିବାର ଲୋକର ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କଲି। ଇଏ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ବିଚାର କରିକିରି ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁପାତ ହେଉଛି ଏବଂ ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁପାତ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମଣିଷର ମଣିଷତ୍ଵ ଆଉ ମୋ ଦେହରେ ଅଛି, ପୁରା ପଶୁ ପାଲଟି ଯାଇକି ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦରଙ୍କର ବଂଶୀ ଆଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବଂଶୀରେ ପ୍ରଥମରେ ଦୁଇ ଆଖିକୁ ଫୁଟଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଇଏ ଆଖି ପାଇଁ ଏ ସମସ୍ତ ନାଟ ହେଇଛି ନା, ଇଏ ଆଖି ଇଏ ରୂପ ଦେଖୁଛି ନା, ଇଏ ରୂପ ଦେଖିକିରି ଇଏ ପାଗଳ ହେଉଛି ଏବଂ ମନକୁ ଭ୍ରମିତ କରୁଛି, ତେଣୁ କରି ଇଏ ଆଖି ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଆଖି କେବଳ ପାପକୁ ଦର୍ଶନ କରେ ସେଇ ଆଖି ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, ଇଏ ଆଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଖରେ ଅଛି। ବୋଲ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ଏବଂ ସେହି ଆଖି ଯେତେବେଳେ ଫୁଟଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର, ହେ ନୀଳମଣି, ଇଏ ଆଖି ପାଇଁ ମୋର ଏଇ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ଋଣୀ ହେଉଛି ଭଗବାନ ଏବଂ ଆଖିକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛି, ଯେଉଁ ଆଖି ପାପ ଦେଖୁଛି ସେଇ ପାପ ଆଖିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଦେଖିବି କେମିତି, ଏ ସାହସ ମୋର ହଉନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଖି ଦୁଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି।